हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अरविंद स्टडी सेंटर। मैं आपका साथी अरविंद कुमार। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो कैसे चल रही है आपकी स्टडी, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। तो EVS का हम 50 क्वेश्चन लेके आए हैं, EVS का 50 क्वेश्चन, और ये आपको हम बिल्कुल आसान तरीका से, एकदम बिल्कुल आसान तरीका से तैयार करा देंगे इसको। तो आप देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, कुट मिलान। कुट मिलान में बच्चे अधिकांशतः फंस जाते हैं, लेकिन हम एक आपको शॉर्ट ट्रिक्स भी बता देते हैं क्या है। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या करना है इसको। कुट मिलान है, तो कुट मिलान में यहाँ देखिए, निम्नलिखित का मिलान करिए। तो छोले भटूरे भाई कहाँ का है, तो यह आप पंजाब कर लीजिएगा, जो पंजाबी लोग खाते हैं। तो इसमें ढूंढ लीजिए कहाँ है पंजाब, ई नंबर है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं दूसरा क्या कह रहा है। यहाँ दूसरा कह रहा है आपका, देख लीजिए, नारियल डली करी के साथ उबला टाइपियों का, तो ये कहाँ का है, तो नारियल से संबंधित आ जाएगा। तो सीधा आप चले आइएगा केरल। केरल कहाँ है, बी में। छोले भटूरे कहाँ का है, पंजाब का है, और नारियल में डली हुई कढ़ी के साथ उबला हुआ, तो यह केरल भी हो गया। अब इस ऑप्शन में आ जाइए, यहाँ कुट मिलान में। अब यहाँ देखिए आप, कुट मिलान में एक का ई और दो का बी, तो इसमें नहीं है, तो इसको छांट दीजिए, इसको कैंसिल करिए। एक का ई तो ई भी नहीं है, यहाँ दिख रहे सी है। सी का ई है, लेकिन दूसरा में बी नहीं है। अब देखिए, तो डी आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें ई है और बी है, तो डी आपका राइट आंसर हो गया। बाकी हम सब चीज़ समझा देते हैं आपको। तीसरा क्या है, सरसों के तेल में बनी पकी मछली कहाँ के, तो कश्मीर के लोग खाते हैं। नारियल के नहीं, सरसों के तेल में, ठीक है, या नारियल के तेल में बनी पकी हुई मछली कहाँ खाते हैं, तो यह होगा आपका आंसर, इसमें ढूंढ लीजिए, गोवा। गोवा कहाँ है गोवा, तो यह गोवा है, यह ए आंसर में गोवा है। चलिए आगे चलते हैं हम। यहाँ देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, किसी सभा में अपना परिचय देते समय किसी छात्र के कथन पर विचार कीजिए। आप एक सभा में जा रहे हैं, वहाँ अब परिचय दे रहे हैं, मान लीजिए आप ही छात्र हैं। मैं जिस जगह से आया हूँ वहाँ के अधिकतर लोग सरसों के तेल में बनी पकी मछली खाना पसंद करते हैं। यह छात्र किस जगह से आया हो सकता है, तो हम पहले ही बता दिए पहला क्वेश्चन में कि जो पकी हुई मछली कथी के, यानी सरसों के तेल में, तो सरसों से कश्मीर, यानी सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्त तीसरा देखिए, तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन, वे व्यक्ति जो वनों में कम से कम 25 वर्षों से रह रहा है, जंगल में 25 वर्षों से रह रहा है, उनका वन भूमि और उनमें होने वाली उपज पर अधिकार हो जाता है। यह एक्ट कब लिया गया है, तो जो लोग 25 साल जंगल में रहे उस भूमि पर उनका किस कब्जा होगा, तो यह कौन सा एक्ट में है, तो यह एक्ट जो है अधिकार अधिनियम है 2007 से संबंधित है। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है झूम खेती है, तो जैविक नहीं है, आप इसको कैंसिल कर लीजिए। और दूसरा देखिए, काट एवं दग्ध खेती, यह आपका राइट आंसर होगा। क्या करते हैं, उसको तोड़ देते हैं खेती में और उसको जला देते हैं। अब तीसरा देखिए, कीटनाशकों का सीमित उपयोग करना नहीं गलत है, देखने से ही निगेटिव, रासायनिक खाद का सीमित प्रयोग करना नहीं, खेत खराब हो जाता है, बंजर हो जाता है, यहाँ देखिए। उसके बाद आपका
रोनाल्ड रॉस को 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबल पुरस्कार डैश शोध करने के लिए मिला है। तब मच्छरों के अंदर ताक झाक किया तो कौन सा मच्छर था, तो वह मलेरिया मच्छर था। कौन सा मच्छर था, मलेरिया मच्छर था। चलिए यहाँ अब देखिए छठा नंबर क्वेश्चन क्या है। सिनकोना पेड़ के किस भाग का प्रयोग मलेरिया के उपचार के लिए किया जाता है। सिनकोना यह छाल, जड़ नहीं होगा, पत्ती नहीं होगा, बीज भी नहीं होगा। सिनकोना के छाल से मलेरिया मच्छर का इलाज किया जाता है। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए। वर्मी कंपोस्टिंग एक विधि है जिसमें खाद बनाने में डैश उपयोग होता है, फीता क्रीम नहीं होता है। आप वर्मी कंपोस्ट जिसमें गोबर रखते हैं, एक घर टाइप में बनाते हैं और एक घर टाइप में बनाते हैं, इस तरह का बना लेते हैं ईंट का, और उसके बाद इसमें क्या करते हैं, गोबर डालते हैं, और गोबर डाल के इसमें हम केचुआ डाल देते हैं। केचुआ जिसको अपना भाषा में कहते हैं चारा, यानी इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा, केचुआ। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखिए। बोरा चिपचिपे चावल की एक सामान्य किस्म है, यह मुख्य रूप से पाया जाता है। तो बोरा या चिपचिपा चावल कहाँ का है, तो यह एक असम का है, जो कि वहाँ पे लोग असम में चावल के खेत, जब धान की खेती कटता है उस समय वो लोग एक त्यौहार मनाते हैं, व्रत मनाते हैं। नौ नंबर क्वेश्चन है। मेघालय में माँ की बड़ी बहन को क्या कहा जाता है, तो वलियम्मा। दस नंबर क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान केरल में है, तो कौन सा है, वलसाड नहीं होगा, उसके बाद कोझिकोड, उडुपी भी नहीं है, मालाखेरा ये भी नहीं है, यानी आपका आंसर हो गया बी, कोझिकोड। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए। 11 नंबर क्वेश्चन, गांव का नाम वहां उगने वाले कई खेजड़ी पेड़ों के कारण पड़ा। इस गांव के लोग पौधे और पेड़ों पर जानवरों की बहुत देखभाल करते हैं, भारत में यह गांव कहाँ है, तो यह है राजस्थान में। कहाँ है, राजस्थान में है आपका, जहाँ बिश्नोई समाज रहते हैं, अपना जान दे देते हैं और उस पेड़ को नहीं काटते हैं, जो 2007 एक्ट के तहत है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखिए। 12 नंबर क्वेश्चन, मिट्टी के बर्तनों को मजबूत बनाया जाता है, तो आप देखिए बेक करने का मतलब हो गया आप उसको पका रहे हैं, जैसे भट्टी हो गया, किसी चीज़ में आप उसको पका रहे हैं, तो जो बर्तन पकता है वो उसको भट्टी लगाया जाता है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा बेक करके। गलने से नहीं, भूनने से नहीं, और जलने से नहीं। अब कुछ लोग कहेंगे कि जलाने से, तो जलाने से देखिए जब बेकर नहीं रहता तो हम जलाने से आंसर सही करते हैं। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देख 13 नंबर देखिए। नृत्य में मुख्य रूप से मुद्रा एवं भावनाएं देश को प्रदर्शित करती है, तो मुद्रा भावनाएं किसको प्रदर्शित करती है, यानी
भावनाएं को, फीलिंग, हाथ का जो मुद्रा का हाव भाव होता है उसका हम भावना को समझते हैं कि यह डांस कर रहा है। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, आपके लिए एक खुशखबरी है। यह खुशखबरी क्या है देख लीजिए यहाँ, केपी सक्सेस सीटेट क्लास, या सीटेट एस्टेट केबीएस बीटेट, ब्रांच नंबर 1 भामाशाह द्वार भगवानपुर मुजफ्फरपुर, ब्रांच नंबर 2 लक्ष्मी चौक मुजफ्फरपुर। यहाँ सर की जो विशेषता है, यहाँ बच्चे के लिए क्या क्या है, तो 100% सफल होने की गारंटी। यहाँ पे जो आप सीटेट का क्लास करने आइएगा तो यहाँ सफलता आपको 100% मिलेगी, क्योंकि हमने सर का इंटरव्यू भी लिया था और वहाँ के बच्चे अधिक संख्या में पास किए थे, तो वहाँ भरोसा है हमें भी, इसलिए हम यह आपको बता देते हैं। अगर आप मुजफ्फरपुर में कहीं भी तैयारी कर रहे हैं तो एक बार यहाँ आइए, अगर अच्छा लगेगा तो आप पढ़िएगा। यहाँ इनका साप्ताहिक टेस्ट भी लेते हैं, डेमो क्लास फ्री है, आगे देख लीजिए, अच्छा लगेगा तब यहाँ टिकिएगा, नहीं तो आप अन्यथा किसी भी जगह जा सकते हैं। ऑनलाइन फैसिलिटी भी है, सर का मोबाइल नंबर है 9546028362, तो आप सर से संपर्क भी कर सकते हैं। यहाँ देखिए आपका है तरुण भारत संघ, एक ऐसी संस्था है जो नल जल के संरक्षण के लिए कार्य करती है। इस संस्था के प्रधान में निम्नलिखित में से एक है, तो यह क्या है, राजेंद्र सिंह है, सुंदरलाल बहुगुणा, ये पेड़ पौधे संबंधित हैं। चलिए आगे देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा मिजोरम का सबसे प्राचीन नृत्य रूप है। मिजोरम का नृत्य रूप क्या है, मिजोरम का नृत्य क्या है, तो मिजोरम का नृत्य आपका चिराव है, चिराव नृत्य है। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, 16 नंबर क्वेश्चन हल्का धुंधलापन है, आप देख सकते हैं, तो यहाँ कल्पना चावला एक भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री का निधन अंतरिक्ष यान में किस वर्ष हुआ, तो इनका निधन हो गया आपका 2003 में, डी आंसर राइट होगा आपका। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक ऐसा नाच है जिसमें जमीन पर बांस का डंडा लेकर दो दो लोगों की जोड़ी आमने सामने बैठती है, ढोल की ताल पर डंडियों को जमीन पर पीटते हैं तथा ताल के अनुसार डंडियों के बीच में लोग एक कतार में खड़े होकर कूदते हैं और नाचते हैं, इस नाच का नाम तथा उस राज्य का नाम जहाँ के लोग नाचते हैं क्रमशः क्या है, तो आप बताइए कि एक जोड़ी और वहाँ डंडी लेता है और उस डंडी से एक कतार में बैठता है, खड़े होकर कूदता है, यह नाच का नाम और राज्य कहाँ पर है, तो नाच का नाम बताना है, तो यह नाच का नाम क्या है, यह नाच का नाम है चेराव और यह मिजोरम में, ठीक है, तुरांग जंगल से संबंधित है, मिजोरम में नहीं, कुडुक झारखंड से संबंधित है, कुडुक भाषा है एक जो कि झारखंड में बोला जाता है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, संसार की 5वीं और भारत की पहली ऐसी महिला जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर अपना कदम रखा उनका नाम क्या है, तो उनका नाम बता दीजिए, तो उनका नाम बछेंद्री पाल है।
प्रसिद्ध भारतीय त्योहारों होली और दीपावली के विषय में नीचे दिए गए कथनों में से पहचानिए और सही कथन को चुनिए। यहाँ देखिए, होली दीपावली यानी ये दोनों त्यौहार पूर्णिमा को मनाए जाते हैं? नहीं, यह पूर्णिमा को नहीं मनाया जाता है, दोनों नहीं मनाया जाता है। दीपावली अंधेरा रात में मनाया जाता है और होली दीपावली अंधेरी में मनाया जाता है क्योंकि उसको प्रकाश देना होता है, और होली मतलब वो जो रात चांदनी रात कहते हैं उसमें मनाया जाता है। तो इसमें ढूंढ लीजिए, ये दोनों त्यौहार अमावस्या को मनाया जाता है? नहीं। आप इसके आगे देखिए, पूर्णिमा को तथा होली अमावस्या को मनाई जाती है? नहीं। अब यहाँ दे, अमावस्या को होली, तो अमावस्या को क्या होता है? इजोरिया की रात। अमावस्या यहाँ छूट गया, दीपावली अमावस्या की रात यानी अंधेरी रात में दीपावली मनाया जाता है, और होली पूर्णिमा का रात जिसको इजोड़िया की रात कहते हैं, चांदनी रात कहते हैं, मनाई जाती है। यानी डी राइट, आपका आंसर सही हो गया। यहाँ देखिए, हमारे देश में ऐसा गांव है जहाँ के ग्रामवासी अत्यधिक वर्षा होने के कारण अपने घरों को बांस के खंभों पर जमीन से 10 से 12 फीट 3.5 मीटर ऊंचा पर बनाते हैं। इन घरों को अंदर से लकड़ी का ही बनाया जाता है। यह गांव कहाँ होना चाहिए? तो यह गांव समझ लीजिए कि जहाँ बांस की बात आ जाए और 3.5 मीटर और 10 से 12 फीट ऊंचा, तो यह कहाँ है? असम में है। राइट आंसर आपका असम में हो जाएगा क्योंकि वहाँ भूकंप और बरसात ज़्यादा कह सकते हैं क्योंकि बरसात वहाँ अधिक होता है। और नीचे दिए गए हमारे देश के किस राज्य पर केंद्र शासित प्रदेशों का अधिकांश सामान्य लोगों का नारियल डली हुई किसी भी कढ़ी के साथ उबला हुआ टैपियोका का खाना पसंद करता है? तो यह किसके साथ है? देख लेते हैं इस ऑप्शन में, आंध्र प्रदेश, तो आंध्र प्रदेश नहीं होगा, गोवा तो गोवा होगा, तमिलनाडु नहीं होगा, टैपियोका तो केरल से संबंधित है, तो एक बार देख लेते हैं। यानी टैपियोका नारियल के तेल और टैपियोका, यह केरल में है। कहाँ है? केरल में है। आपका राइट डी आंसर हो जाएगा। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर, भारत के किस राज्य संघ शासित प्रदेशों में पहाड़ों पर जंगलों के निवासियों और ग्राम सभा पंचायती में एक विशेष सभा में लॉटरी निकाल कर यह निश्चित करती है कि किस परिवार को उस साल खेती में कितनी जमीन मिलेगी? तो यह जो लॉटरी के माध्यम से है, यह कहाँ का है? यह आपका मिजोरम का है। कहाँ का है? तो यह आपका मिजोरम का है। राइट भी आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं 23 नंबर क्वेश्चन। अब देखिए, माउंट एवरेस्ट नीचे दिए गए किस देश में है? तो माउंट एवरेस्ट आपका नेपाल में है। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देखिए। 24 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? मैं जिस जगह से आई हूँ वह एक पहाड़ी इलाका है। हमारे यहाँ बहुत बारिश होती है, यहाँ बर्फ भी पड़ती है और ठंडा भी अधिक लगता है, और धूप में बैठना अच्छा लगता है। हमारे घर पत्थर और लकड़ी के बने होते हैं। यह कहाँ से छात्र आया है? तो यह तिनसुकिया आसाम से? नहीं, यहाँ बांस के और बरसात ज़्यादा होता है। चेन्नई से? नहीं। तो कहाँ से आया है भाई? तो यह आया है
मनाली से, हिमाचल प्रदेश से, राजस्थान से भी नहीं। तो राइट सी आंसर हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा? राइट सी आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं पृथ्वी ग्लोबल जैसी गोल है, नीचे दिए गए किस देश के पृथ्वी किस देश के व्यक्ति पृथ्वी पर हमारे सापेक्ष उल्टा दिखता है? तो यह अर्जेंटीना हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, और आप लोग कमेंट करते रहिए ताकि हमको भी समझ में आए कि आप लोग तैयारी कर रहे हैं। पुंचमपल्ली, 26 नंबर क्वेश्चन, पुंचमपल्ली एक शहर है जहाँ के अधिकांश परिवार बुनाई के कार्य करते हैं, और एक विशेष प्रकार का वस्त्र जिसे बनाते हैं पुंचमपल्ली कहलाता है। यह शहर और सुंदर चमकदार साड़ियाँ बनाती है, किस राज्य में है? तो यह राज्य है आपका तेलंगाना। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, मिजोरम में जब फसल का काम समाप्त हो जाता है, लोग एकत्र हो जाते हैं, त्यौहार मनाते हैं, एक साथ में खाना खाते हैं और मज़े करते हैं, गाते हैं, नाचते हैं, विशेष नाच का नाम क्या है? तो नाच का नाम क्या है? तो झूम, झूम खेती कहाँ है? तो मिजोरम में है। यही आपका राइट 27 आंसर हो जाएगा। 28 नंबर देखिए, यह कुट मिलान है जो प्रथम क्वेश्चन था। यहाँ देखिए, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। असम, यानी आपको असम में क्या है? बांस। तो आपको इसमें ढूंढ लेना है। हाउस बोट नहीं है, पत्थर के बने लकड़ी के ये भी नहीं है, मिट्टी के घर कटीले झाड़ियों से नहीं, पत्थर और लकड़ी नहीं, बांस। यहाँ देखिए, यहाँ 5 नंबर में मजबूत बांसों से बने ढालू छाते, यानी 1 का 5 हो गया। अब इसमें देखिए, 1 का 5 हो गया। दूसरा देखते हैं, लद्दाख, लद्दाख है तो लद्दाख देखते हैं। लद्दाख में क्या है? 2 गो ऑप्शन छटना है। तो आपका लद्दाख में पत्थर के बने लकड़ी की बनी फर्श कहाँ है यह, और कटीले झाड़ियों से बनी और लकड़ी के बने ढालूदार, तो यह आपका कटीला कहाँ से हो जाएगा? तो यह तो राजस्थान से हो जाएगा आपको। तो यह लकड़ी का फर्श बी, इसमें देख लीजिए बी, यानी ए और बी दोनों मिल रहा है, तो यानी राइट आपका ए आंसर हो जाएगा। ए फॉर अमेरिका आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए घरों के प्रकार में निम्नलिखित को चुनिए, और इसमें भारी वर्षा वाले क्षेत्र गांव में रहने वाले लोगों को बनाना चाहिए। तो क्या यहाँ बम्बू के बांस, यानी बांस का बात हो रहा है, तो छत वाले बांस के घर कहाँ हैं? असम में है। तो ए आंसर आपका राइट हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, उस महिला वेट लिफ्टर का नाम क्या है जिसमें अंतर्राष्ट्रीय खेलों प्रतियोगिता में 29 मेडल जीतते हैं? तो यह है आपका कर्णम मलेश्वरी, 29 मेडल जीते हुए हैं। उसके बाद 31 नंबर क्वेश्चन आ जाइए, निम्नलिखित में से उन जिम्मेदारियों को चुनिए जिन्होंने पर्वतारोही माउंटेनियर के ग्रुप लीडर निभाते हैं। तो इसमें कौन सा आंसर आपका हो जाएगा? 31 का
माउंटेनियरिंग ग्रुप लीडर, तो इसमें देखिए ग्रुप के आगे चलना ताकि पीछे पीछे, इनमें उन प्रतिभागियों को रोकने के लिए कहना जो नहीं, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए ये एक बार फिर से समझाते हैं, 31 नंबर क्वेश्चन क्या है। ए भी सही है और बी भी सही है और सी भी सही है, यानी आपका राइट आंसर ये हो जाएगा। उसके आगे हम चलते हैं 32 नंबर। ग्रेगर मेडल एक मंक मुनि थे, उन्होंने 28,000 मटर के पौधे के साथ 7 वर्षों तक मठ के बगीचों में प्रयोग किए और पाया कि मटर के पौधे में कुछ ऐसे लक्षण हैं जो जोड़ियों में आते हैं, निम्नलिखित में से छाटिए। और मेडल ने अपने प्रयोगों में नहीं पाया, तो क्या नहीं पाया, तो उसमें क्या नहीं पाया, तो बीजों को खुदरा चिकना नहीं ये पाया गया था, लंबा और नटा ये भी पाया गया था, लेकिन डी आपका नहीं पाया गया था। अगली पीढ़ी के पौधे के बीजों का नया रंग और जो पीले और हरे रंग हरे गुणों से मिलकर बनता है। उसके बाद है भारत में कितने राज्य हैं, भारत में तो 28 राज्य हैं। अब यहाँ देखिए मच्छरों से फैलने वाले 3 रोगों का समूह, मच्छरों से तो आपका मलेरिया डेंगू है, मलेरिया है, कोविड नहीं है, चिकनगुनिया है, डेंगू है, HIV एड्स नहीं है, मलेरिया है, डेंगू है, चिकनगुनिया है, आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। यह तीनों मच्छर से फैलने वाला रोग है। आगे चलते हैं 35 नंबर क्वेश्चन देखिए। हमारे देश के लिए नीचे दिए गए किन 2 राज्यों के लोगों का सर्वप्रिय भोजन इडली वड़ा डोसा सांभर नारियल की चटनी कहाँ का है, तो यह है कहाँ का है यह, तो यह है तमिलनाडु आंध्र प्रदेश। कन्नौज एक जिला है जो समस्त भारत के इत्र के लिए प्रसिद्ध है, यह जिला किस राज्य का भाग है, तो यह जिला आपका उत्तर प्रदेश, कन्नौज जो है वह उत्तर प्रदेश में जो इत्र के लिए भी प्रसिद्ध है। 37 नंबर, नीचे दिए गए किसी बालक का उस कथन को विचार कीजिए, उसने किसी कैंप में आए विद्यार्थियों को समूह में दिया, मैं उस जगह से आई हूँ जहाँ एक पहाड़ी क्षेत्र है, वहाँ अधिक वर्षा होती है, बर्फ भी पड़ती है, ठंड भी लगती है और धूप भी में बैठना अच्छा लगता है, यह वहाँ लकड़ी का भी घर बने होते हैं, तो कौन सा है यह, जल्दी से कमेंट कर दीजिए एक बार आप लोग। तो यह जगह है हिमाचल प्रदेश, यह क्वेश्चन आपको डबल रिपीट हो गया है। चलिए हमारे देश में संघ शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है, तो 8 है, पहले 7 था, 1 बढ़ा है, 8 है। चलिए 39 नंबर, हमारे देश में किस राज्य में लोगों को रहने के लिए बने बड़े त्रिकोण टेंट रेवो कहते हैं, त्रिकोण टेंट को रेवो कहते हैं, जानवरों को रखने के स्थान को लेखा कहा जाता है, यह कहाँ है, तो यह लेह लद्दाख की बातें किया जा रहा है, यानी
डी फॉर डॉग, यानी आपका लेह लद्दाख आंसर हो जाएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। एलेक्स केरल में रहता है, वह अपने घरों के आंगनों में निम्नलिखित में से क्या उगाता है? तो नारियल और टैपियोका। क्या उगाता है? तो नारियल और टैपियोका, यही आपका ए आंसर राइट हो गया। 41 नंबर क्वेश्चन देखिए। एक लोहार निम्नलिखित में से किन चीज़ों को बनाता है? लोहार किन चीज़ों को बनाता है? तो यह कॉमन सेंस वाला है, अपने दिमाग लगाइए। मिट्टी का मटका नहीं, तो यह कुम्हार बनाता है। ईंट भट्टा बनता है, कुल्हर नहीं। यानी आपको लोहार क्या बनाएगा? खुरपी, आरी, कुल्हारी, यही लोहार आपको बनाएगा। अंगूठी, यह तो सुनार का काम है। आरी या लोहार का काम है। चूड़ी, चूड़ीहार का काम है। तो ये नहीं होगा, यानी कुल्हारी, ईंट, ईंट भट्टा वाला बनाता है, नहीं, तो ये भी नहीं होगा, और चूड़ी नहीं। तो आपका आंसर राइट क्या हो जाएगा? यानी खुरपी, आरी, कुल्हारी, बी राइट आंसर हो जाएगा आपका। 42 नंबर क्वेश्चन देखिए। आपको हम 50 क्वेश्चन लेके आए हुए हैं, तो एक बार आप लोग शेयर कर दीजिए। ग्रेगर मेडल मटर के पौधे का प्रयोग के कारण प्रसिद्ध थे, यानी मूल पीढ़ी मटर के बीज के हरे और पीले हो, तो अगली पीढ़ी मटर के बीजों के बारे में उनका कौन सा प्रेक्षण था? तो कौन सा उनका प्रेक्षण था? तो यहाँ सभी पौधे में हरे और पीले मिश्रित रंग के होते हैं, नहीं, गलत है ये। बी नंबर ऑप्शन क्या कह रहा है? ये ज़्यादातर पौधे में पीले बीज होते हैं, यह सही है। मटर का बीज जो ज़्यादातर पीले में होते हैं, यहाँ ज़्यादातर पौधे हरे रंग के बीज होते हैं, वह तो शुरू में सबका हरे रंग का होता है, ये भी नहीं होगा। डी फोर एक बार देख लेते हैं, तो डी फोर आपका सभी पौधों में पीलापन के लिए हरे बीज थे, नहीं, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। कुडुक कहाँ के लोगों की बोलचाल की भाषा है? कुडुक तो झारखंड का है, कहाँ का है? झारखंड का है। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन देखिए। वेलक्रो का प्रयोग बहुत सी चीज़ों को एक दूसरे के साथ चिपकाने में किया जाता है, निम्नलिखित में किसके प्रयोग का प्रेरणा को लेकर वेलक्रो ने बनाया था? तो वेलक्रो ने बनाया था, क्या बनाया था? वेलक्रो ने बनाया था, जैसे कि आप चप्पल पहनते हो उसमें साटते हो उजाड़ते हो जो चर चर की आवाज़ आती है, तो वह किसने दिया था? वेलक्रो ने क्या बनाया था? तो यह जॉर्ज मेंडल ने बनाया था। वेलक्रो को बनाया था किसने? जॉर्ज मेस्ट्रल ने। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का संघ शासित प्रदेश है? तो संघ शासित प्रदेश कौन सा है 45 का? अरुणाचल प्रदेश नहीं, मणिपुर नहीं, मेघालय नहीं, जम्मू कश्मीर होगा आपका संघ शासित प्रदेश है। ब्रेल लिपि में मोटे कागज का उभरे हुए बिंदु बने होते हैं, यह लिपि आधारित है किस पर? 6 बिंदुओं पर यह लिपि आधारित है। चलिए उसके बाद हम चलते हैं 47 नंबर क्वेश्चन। हमारे देश में एक स्थान है जिसे ठंडा रेगिस्तान कहते हैं, यह क्षेत्र ऊंचा है, सूखा है, समतल है, यह क्षेत्र स्थित है कहाँ? है सूखा समतल, लेह लद्दाख में है। चलिए 48 नंबर, कॉलम ए कॉलम बी वाला में असम बांस के से संबंधित है, बांस से संबंधित है, तो इसमें बांस देख लेते हैं कहाँ है बांस। यहाँ खम्बा 3 नंबर है, 3 नंबर है। उसके बाद देख लेते हैं बी में क्या है, लद्दाख। असी में क्या है, मनाली।
तो आपका इसमें देख लीजिए आंसर कौन होगा, कुट मिलान में एक बार देख लीजिए, यहाँ 48 नंबर का 48 का 5 यो नहीं होगा, 3 2 1 5 यानी दो को आप मिला लीजिए, सी आंसर राइट हो जाएगा इसका। उनचास देखिए राजमा चावल आ गया, चिपचिपा चावल, राजमा चावल, यहाँ से एक क्वेश्चन बनता ही है आपका, 100% बनेगा आपका, यह क्वेश्चन छूटे नहीं आपको। राजमा चावल कहाँ से है, तो राजमा चावल आपका पंजाब से है, छोले भटूरे राजमा चावल पंजाब से है। 50 नंबर क्वेश्चन देखिए, 50 नंबर क्वेश्चन है, 26 जनवरी 2001 को भुज में भूकंप के झटके लगे थे, भुज किस राज्य में है, तब भुज गुजरात राज्य में है। 50 का 50 का तो कैसा लगा वीडियो, अगर आपको अच्छा लग गया तो दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, कुछ सेट लेकर आएंगे, और आप लोग अपना कमेंट बॉक्स में एक बार राय दे दीजिएगा कि क्या प्रैक्टिस सेट चाहिए या बेसिक नॉलेज के लिए बेसिक कंटेंट चाहिए, एक बार कमेंट कर दीजिएगा आप लोग। फिलहाल नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, धन्यवाद।